अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज मैं डी यू के जिस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बी ए ऑनर्स इन इंग्लिश। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में इस कोर्स की, कितनी फ़ीस है, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या सी बी टी का पैटर्न है, कितनी एज चाहिए आपको, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। डी यू इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है जहाँ पर एडमिशन लेना हर बच्चे का ही ख्वाब होता है ऑलमोस्ट, जो चाहता है वहाँ जाके पढ़ाई वो कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ वहाँ रहती है। इसलिए आपको जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लग जाएं। इस बार के एडमिशन तो लगभग पूरे हो चुके हैं, लिस्ट अब आ रही हैं, सब कुछ बंद हो चुका। तो इस वीडियो को देखें पूरा, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि डी यू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखते रहिए पूरी वीडियो क्योंकि इसके बाद की सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सारी और जो डिटेल्स हैं मेन वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ बी ए ऑनर्स इन इंग्लिश के बारे में। ये सारा कोर्स का जो पर्पज़ वगैरह आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या आपसे उम्मीद की जाएगी, सब डिटेल यहाँ आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपका लिटरेचर है उसको समझना, लिखा है आपको कैसे लिखेंगे, सब सारा आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश काफ़ी शॉर्ट आफ्टर कोर्स है, बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है। अब आपको अगर यहाँ पर एडमिशन लेना है तो क्या क्या आपको करना होगा वो आप देख सकते हैं। पहला बात यह है आपका सी यू टी का टेस्ट पास करना होगा आपको, और इंग्लिश में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश ऑनर्स में आपको एक तो लिस्ट ए से आपको लेना पड़ेगी इंग्लिश, लिस्ट आपको दिख रही होगी लिस्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और दोस्तों उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन, लिस्ट बी वन से आपको दो लेना है, उसके बाद फोर सब्जेक्ट आपको लेना है, फोर्थ आपको बी वन या बी टू, जो बी टू में सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट, उसके बेस पर आपको एडमिशन यहाँ मिलेगा। उससे बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ पास करना आपको ज़रूरी है, कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं है, अगर आपका गैप है कोई दिक्कत नहीं है, आप दो साल बाद कभी भी आप दे पाएंगे, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, कोई भी आपको डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज है उन लोगों को जिन्होंने इसी साल ट्वेल्थ पास किया है, क्योंकि जो बच्चे दो तीन साल तैयारी कर रहे होंगे वो उनसे अच्छा करने की ज़रूर ज़्यादा उम्मीद की जाती है। तो ये जो करंट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज मैं मानता हूँ यहाँ पर इससे होगा। दोस्तों कौन कौन से कॉलेज हैं यहाँ पर जो आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, सीट्स आपको यहाँ पर सबका जो है ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहला आपको आर्यभट्ट कॉलेज है, आप सीट देखते जाएं आपको, उसके बाद आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज है, भारती कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, दौलत राम है, दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, देशबंधु है, दयाल सिंह है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है, गर्गी है, हंसराज है, हिंदू है, इंद्रप्रस्था है, दोस्तों उसके बाद जानकी देवी है, जी एस एंड मैरी है, उसको कालिंदी कॉलेज है, उसके बाद कमला नेहरू है, किरोड़ी मल कॉलेज, सीट्स आपको सारा बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। कुछ जगह कुछ कॉलेज जो है माइनॉरिटी वाले हैं, जैसे आपको ये आगे जीएस एंड मैरी आ गया, उसके बाद आपका सारे कॉलेज आपको दिखाता हूँ, सारी आपको सीट आपको दिख रही होगी, बहुत सारी सीट्स यहाँ आपको मिलेंगी। ब्रेकडाउन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है लगभग 48 कॉलेज में आपको ये कोर्स मिलेगा, ये सारे कॉलेज हो गए आप देख लें, उसके बाद ये बाकी कॉलेज ये आपके आ गए, तो 48 कॉलेज दोस्तों यहाँ पर आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। एज का कोई बार नहीं है, कितनी भी आपकी ये जो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि एज का कोई बार यहाँ पर दिया नहीं है। लास्ट पॉइंट दोस्तों फीस के बारे में, इन कॉलेज की फीस आपको वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फीस देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी फ़ीस आप उस लिंक पर दे पाएंगे, देख पाएंगे। 2022 की मैंने फ़ीस दी है, लगभग सेम ही फीस आपकी रहने वाली है, बहुत बड़ेगी नहीं 2023 के लिए भी, तो वहाँ से आप लिंक को फॉलो आप कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहाँ पर दी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आपको आई हो, मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर भी कर दें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।